एवरीवन वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बहुत ज्यादा खुशामदीद कहती हूँ आप सबको हमारे ब्रेस्ट कैंसर लाइव सेशन में मौजूद होने के लिए। हमने आज ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन है, ये मरहम के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं और हमारे साथ कोलैबोरेशन पे चुपटाई आपकी तरफ से डॉक्टर जुनैरा राठौर मौजूद है। हर साल 40,000 से ज्यादा औरतें अमवात का शिकार है। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अर्ली उनकी तशखीस नहीं हो पाई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। आज के सेशन का मकसद सबसे बड़ा ये है कि हम आपको ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या और आप इसकी तशखीस के बाद अपना इलाज कैसे करा सकते हैं। डॉक्टर जुनैरा राठौर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुनैरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास इस सेशन में मौजूद होने के लिए। अब आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जुनैरा कौन है। थैंक यू नोरी। Assalamu alaikum everybody, I'm Dr. Zuhair Rathore, consultant pathologist of Thailand, and we have been thinking pink throughout the month of October in order to create awareness about breast cancer. We have been doing sessions throughout the country. We have done it in Lums, in Lahore, at NAST in Islamabad, at IBA Karachi and various other institutions in Lahore as well. And the purpose was to create awareness. खवातीन में ये आगाही पैदा करना कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और उसकी वजह से बहुत सी खवातीन वफात पा जाती हैं, लेकिन ये एक तासुर था कि ब्रेस्ट कैंसर से वफात लाजमी है। ऐसा नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेबल है, इसको क्योर कर सकते हो और वो तब कर सकते हो अगर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लो। अर्ली डिटेक्शन इज द रूल, सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये आगाही सब लोगों में फैलाएँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैरा। यही बात है कि हमारी जो 90,000 अमवात आखिरी साल हुई उसमें से 40,000 ब्रेस्ट कैंसर की वजह से थी, तो ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। इट्स अ बिग डिजीज और ये दिन ब दिन फैलती जा रही है क्योंकि हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने की। हमारी घर की औरतें इस पर कॉन्शियस होती हैं कि अगर उन्हें ये एहसास हो भी जाए कि शायद ब्रेस्ट कैंसर उनमें हो सकता है, वो इस बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम अपने सेशन का आगाज इसी बात से करते हैं डॉक्टर जुनैरा कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर इसे मैं लेमैन टर्मिनोलॉजी में बताऊं तो ये जड़ों वाली बीमारी है जिसको आम लोग कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है क्योंकि जड़ है, और उसकी वजह से एक्चुअली वो ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि इससे तो मौत हो ही जानी है। ऑल्दो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है लेकिन इसकी ट्रीटमेंट है, और इसको कैंसर हम इससे कहते हैं कि इधर सेल्स की अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रही है, वो ऑटोनमस हो जाते हैं, वो डिवाइड करते चले जाते हैं और वो एक रिसोली एक गिल्टी बना देते हैं जिसका कि अगर इलाज ना करो तो उससे मौत वाकई हो सकती है। सो कैंसर बेसिकली एक आम बंदे की जबान में जड़ों वाली रिसोली है। अगर आप लोग भी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे लाइव सेशन के नीचे कमेंट कर सकते हैं अभी, या फिर www.marham.pk/forum पे अपना सवाल छोड़िए। हम उन सेशन उन सारे सवालों को इस सेशन का अहम हिस्सा बना के डॉक्टर जुनैरा से करेंगे। अगर आपके पास PTCN है तो आप पाकिस्तान के बाहर से 00924235911479 पे भी अपना सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम वो सवाल इधर शामिल करेंगे। डॉक्टर जुनैरा, सबसे पहले उस्मान राणा ने हमसे ये सवाल किया था कि जैसा आपने बात की कि गिल्टी का एहसास होता है ब्रेस्ट पे जो कि ब्रेस्ट कैंसर का एक अहम हिस्सा है, इसी तरह और कौन से ऐसे साइंस या सिम्टम्स होते हैं जिनकी बेसिस पे ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस की जा सकती है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अमूमन खवातीन जो हमें प्रेजेंट करती हैं वो किसी लंप के साथ, किसी गिल्टी के साथ प्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा कभी कभी निप्पल की इन्वर्जन हो जाती है, कभी कभी निप्पल डिस्चार्ज होता है। बहुत कम खवातीन होती हैं जो पेन की कंप्लेन करके भी हमारे साथ आती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास आती हैं उनकी बगल में भी गिल्टी होती है, यूजली इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आती हैं। अब इन कंप्लेंट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कैंसर हो गया है। इन कंप्लेंट्स का मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और मुआयना कराना चाहिए। फर्दर कुछ टेस्ट होते हैं जिन पे हम करके फिर डिसाइड करते हैं कि ये कैंसर है या ये कोई आम ट्यूमर है लाइक फाइब्रोएडिनोमा, जो कि एक बिनाइन सी एक मासूम सी रिसोली होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से रुजू करो। हर गिल्टी कैंसर नहीं होती है, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब आप उसको खुद महसूस करके डॉक्टर पे जाओगे और वो उसका टेस्ट करेगा। ठीक है डॉक्टर जनैर, घर बैठे खुद से किस तरह से हम लोग एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि वो गिल्टी मौजूद है
या नहीं है, थोड़ा सा उस बारे में प्लीज बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, नारियन उसमें ये होता है कि जब कभी गिल्टी होती है तो उसका जाहिरी बात है सबसे पहले मरीज को खुद पता चलेगा और तभी वो डॉक्टर पे आएगा। अब एग्जामिनेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर वक्त अपने ब्रेस्ट को पेल्पेट करते रहो, टटोलते रहो। उसके लिए ज़रूरी है कि 20 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियां या ख़वातीन वो हर महीने अपने आप को खुद एग्जामिन करें। और उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि जिस तरह जो यंग ख़वातीन हैं मेंस्ट्रुएटिंग हैं जिनमें माहवारी आती है, वो माहवारी के 5-6 दिनों के बाद अपना खुद से मुआयना करें, जैसे जब वो नहाने जाती हैं उस टाइम पे कर लें। और कुछ ख़वातीन जो कि बड़ी उम्र की हैं, जो पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं, जिनको माहवारी नहीं होती है या जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, वो एक डेट मुअय्यन कर लें और उसी डेट पे हर महीने खुद पे। बिल्कुल, उसमें ये है कि आपने उसको पकड़ के तोड़ना नहीं है बल्कि फ्लैट अपने हाथ से आपने उसको देखना है। और देखने का भी तरीका ये है कि बाईं तरफ की ब्रेस्ट को आप राइट हैंड से पेल्पेट करें और लेफ्ट साइड को आप दूसरे साइड की हैंड से पेल्पेट करें। और जब ब्रेस्ट को पेल्पेट करें तो प्लीज अपनी एक्सिला यानी कि अपनी बगल में भी हाथ लगा के मुआयना करें कि वहाँ कोई गिल्टी ना। यानी सिर्फ ब्रेस्ट के ऊपर इस चीज की लम्स फॉर्म नहीं हो सकते बल्कि बगल में भी हो सकते हैं, इसकी क्या मेन वजह है? इसकी मेन वजह यह होती है कि कभी कभी आपकी जो नोड्स होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक्सिला में होती हैं, और पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसकी छाती में गिल्टी है। डेंस ब्रेस्ट होती हैं, डीप लाइन होती है, स्वेलिंग, उनको पता ही तब चलता है जब उनकी एक्सिला में लिम्फ नोड्स में आ जाता है, वो एनलार्ज होती हैं। सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो साइंस और सिम्टम्स हमने जिनके भी बात की ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं वो अक्सर बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि उन्हें स्टेज 1 या स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये थोड़ा सा स्टेजिंग के ऊपर बताएं कि ये स्टेजिंग क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर की और इन डिफरेंट स्टेजेस में साइंस और सिम्टम्स किस तरह वेरी करते हैं। ओके, उसमें ये है कि जो स्टेजिंग होती है वो क्लिनिकल भी हो सकती है जो क्लिनिशियन कर रहा होता है और स्टेजिंग पैथोलॉजिस्ट भी कर रहा होता है। अब स्टेजिंग डिपेंड कुछ चीज़ों पे करती है जिनमें से एक है ट्यूमर का साइज। अगर साइज छोटा है, अर्ली आपने डिटेक्ट कर लिया खुद पेल्पेट करते हुए और 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो स्टेज 1 होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा स्टेज आगे जाती जाती है। इसके अलावा अभी मैंने बात की थी लिम्फ नोड्स की कि जो एक्सिला में होती हैं, इंटरनल मेमोरी होती हैं, इवन सुप्राक्लेविकुलर ये गर्दन के ऊपर वाली भी हो सकती हैं। और जो ये नोड्स होती हैं इनकी फिर इन्वॉल्वमेंट अगर ट्यूमर इनमें चला जाए तो स्टेज आगे जाती जाती है। कितनी नोड्स में जाता है वो फर्दर बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा अगर ट्यूमर किसी और जगह बोन में चला जाए या किसी और जगह चला जाए, आपका लिम्फ नोड्स के अलावा मेटास्टेसाइज लंग्स में चला जाए, ब्रेन में चला जाए, ये स्टेज 4 हो जाती है। स्टेज 4 का इलाज नहीं होता क्योंकि वो अगली स्टेज हो जाती है, वो फैल चुका होता है कैंसर उस वक्त। राइट, तो अब थोड़ी सी रिगार्ड में ये बात ऐड करना चाहूंगी कि सेल्फ एग्जामिनेशन जो हम आम खवातीन घर पे महज 15 मिनट में हर कोई अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकता है, सेल्फ एग्जामिनेशन हमें क्लियर कट ये बता सकता है कि वेदर हमारे ब्रेस्ट पे या हमारे बगलों के नीचे कोई लंप मौजूद है या नहीं है। और चूंकि लंप ही पहली इंडिकेशन है ब्रेस्ट कैंसर की तो हम पता लगवा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर जुनैरा ने बात की जैसे जैसे डिजीज की स्टेजेस बढ़ती जाती हैं इलाज करवाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। अगर आपकी ये 15 मिनट का सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर लें तो आप बहुत ज्यादा बड़े ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। डॉक्टर जुनैरा, थोड़ा सा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो ट्रीटमेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो किस तरह चेंज होता है? अगर किसी ने महसूस कर लिया कि उसकी ब्रेस्ट पे लंप बन रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो उसके बाद सबसे पहली चीज क्या करेगा? इसमें वाकई इम्पॉर्टेंस इस चीज़ की यही है कि अगर आपने उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया है, शुरू की स्टेज में डिटेक्ट कर लिया है, तो आजकल पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी हो रही है बिकॉज हर फीमेल को लगता है कि ब्रेस्ट इज पार्ट ऑफ हर फेमिनिटी, उसकी फीमेल होने का एक हिस्सा है। और उसमें ये होगा कि गिल्टी छोटी होगी तो वो उसको सिर्फ छोटा सा वो गिल्टी और साथ में हेल्दी मार्जिन निकाल के और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके ब्रेस्ट को कंजर्व कर देते हैं। लेकिन अगर स्टेज अगर स्किन अल्सरेट कर जाए तो फिर वो स्टेज 4 हो जाती है। जो जो स्टेज आगे चलती जाती है फिर आपको एग्रेसिव थेरेपीज करनी पड़ती हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी जिसमें पूरी की पूरी छाती रिमूव कर देते हैं।
अगर आपकी एक्सिला की नोज इन्वॉल्व होंगी तो फिर एक्सिलरी डाइसेक्शन भी करनी पड़ेगी उसमें. सो जो ट्रीटमेंट होती है वो एडवांस होती चली जाती है, जैसे जैसे स्टेज आपकी आगे जाती है ट्रीटमेंट भी आगे एग्रेसिव होती चली जाती है. इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बिल्कुल हैं, बिकॉज अब तो पाकिस्तान में वही ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जो वेस्ट में होती हैं. सब अमेरिकन गाइडलाइंस को ही फॉलो कर रहे होते हैं. उसमें यह है कि आजकल न्यूएडजुवेंट थेरेपी होती है, क्योंकि ट्यूमर का साइज बड़ा होता है तो वो पहले कीमो और रेडिएशन थेरेपी देते हैं, ट्यूमर को छोटा करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम सर्जरी अदर ऑप्शंस जो आती हैं उसमें कीमोथेरेपी है और उसमें रेडियोथेरेपी भी शामिल है. हाँ, कीमोथेरेपी के बारे में तो मैं यहाँ पे एक कमेंट पे ऐड करना चाहूंगी कि कीमोथेरेपी के बारे में नॉर्मली हम लोगों ने ये सुना है कि कीमोथेरेपी बहुत मुश्किल एक फेज होता है कैंसर पेशेंट्स के लिए, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हों या किसी और कैंसर के पेशेंट्स हों. कीमोथेरेपी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है इटसेल्फ, और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारी खवातीन कीमोथेरेपी का नाम सुन के भी रिलक्टेंट हेजिटेशन की वजह से आगे चल ही नहीं पाती. वो अपने आप को ही ऐसे समझा लेती हैं शायद कि इतनी मुश्किल सर्जरी कराने के बाद अगर फिर भी उनकी मौत हो गई तो फिर इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा. तो लास्ट ईयर जब मैं शौकत खाना में जाने का इत्तेफाक हुआ था तो वहां पर भी मैंने पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी करवा रहे थे, मैंने उन लोगों के जब रिएक्शंस देखे, मुझे देख के ऐसा ही लगा था कि शायद किसी हद तक वो अपनी स्ट्रगल से थक चुके, नाउ दे वांट टू स्टॉप. चाहे दो फेजेस हों, 12 फेजेस हों, कीमोथेरेपी ने बहुत उनसे ये स्ट्रगल ली. वहां पे आए हैड दिस चांस कि मैं एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक कमेंट ऐड किया था कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो इस विल के साथ हॉस्पिटल में वॉक इन करते हैं कि हम लोगों ने इस कैंसर को फाइट करना है, चाहे वो स्टेज 1 हो चाहे वो स्टेज 4 हो. सो आई थिंक यहाँ पे मैं ये अपनी ऑडियंस के लिए एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद आपको एक इस चीज का एहसास हुआ है कि शायद ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग्स फॉर्म हो, तो अपनी स्ट्रगल को वहां मत रोकें. आपके लिए जो भी आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें आपको पूरी पूरी सपोर्ट दी जाएगी. डॉक्टर्स हैं आपके पास, सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो लोग इस फाइट से गुजर चुके हैं. हमारे पास, हमारे ग्रुप पे गुलदास सईद ने ये कमेंट भी बहुत अच्छा शेयर किया था कि 4 साल पहले उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था और वो उनके लिए, उनका स्टेज 3 था और उनके लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज थी. तो बट विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली उन्होंने ये अपना ट्रीटमेंट करवाया है. तो आई थिंक कि मैं चाहूँगी कि आप भी इस पर थोड़ा सा अपना कॉमेंट ऐड ज़रूर करें कि किस तरह से इलाज ब्रेस्ट कैंसर को ख़त्म कर सकता है, एंड हमें ये परसेप्शन ख़त्म करना है कि डरने का कोई फायदा नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही है. अब ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं. देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन मॉर्टेलिटी सिंस 2003. उसकी दो वजहें थी, एक तो ये कि बीच में मैमोग्राफी वगैरह आ गई, अर्ली डिटेक्शन थी, और उसके अलावा ट्रीटमेंट मोर्टैलिटीज ने बड़ा हेल्प आउट किया है हमारी मोर्टैलिटी को नीचे लाने में. और दो भी फाइट चल रही है, बिकॉज 40,000 मौत कम नहीं होती है. सारी जो खाली जो फौत होता है उसकी पूरी फैमिली सफर करती है, उसके बच्चे, उसका मियां, उसके घर वाले. कैंसर हॉस्पिटल के इलाज पे खर्चा ज्यादा हो जाता है और पेशेंट जान है ना लूज कर जाता है. यानी कहना गलत नहीं होगा कि 40,000 अम्बाद सिर्फ औरतों की नहीं, 40,000 खानदान बर्बाद हो रहे हैं इस चीज की वजह से. सही है, बिकॉज ये सारे के सारे सफरर्स होते हैं. अब अगर खाली सर्जरी के बाद जिन पेशेंट्स में हमें लगता है कि ट्यूमर वापस आ जाएगा या उनकी हमारा हेल्दी मार्जिन नहीं आए, उनमें हम कीमो और रेडियो लेते हैं, और उसका ये फायदा होता है कि उस वक्त जरूर पेशेंट के बाल उतरते हैं और पेशेंट को ये लगता है कि अब तो बिल्कुल ही मैं डाउन द ड्रेन जा रहा हूँ. लेकिन अल्टीमेटली जैसे उसकी कीमो बंद होगी, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स रिस्पॉन्स, कीमो के फर्क फर्क साइकिल्स होते हैं, लेकिन जैसे उसकी कीमो बंद होगी उसके वो बाल रीग्रो कर जाते हैं. और एक खाली बालों के पीछे अपनी फैमिली और उसको सफरर बना दो. आई गेस डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, वेदर दे डिसाइड आफ्टर सर्जरी फॉर रेडिएशन एंड कीमो, पेशेंट्स को शुड गो फॉर दैट. एंड देयर आर मेनी सर्वाइवर्स हुम आई नो पर्सनली. मेरी अपनी एक फ्रेंड थी, उसकी जब कीमो की बारी आई तो उसने कहा मेरी अब बस हो गई है, अब तो मैं और ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, तुम लोग जो मर्जी कर लो. हमने उसे कन्विंस किया एंड माशाल्लाह अब शी इज लिविंग हेल्दी विद हर लाइफ एंड शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ विद हर किड्स. और अब वो कहती है, अब वो लोगों को बताती है कि नहीं, अगर आपको कीमो की जरूरत पड़े तो आप कीमो भी लो. बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों को इस अवेयरनेस सेशन के थ्रू सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बताने के साथ साथ एक और चीज भी हाईलाइट करनी चाहिए,
कि हमारे माशरे में ये जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है ये बहुत स्ट्रांग है. हम लोग अपने हर डिसीजन अपने बड़ों से पूछ के लेते हैं. तो उसी सारी डिसीजन मेकिंग के अंदर आई नो कि बहुत सारी लड़कियां हेजिटेंट होती हैं अपनी बहन से या अपनी माँ से इस बारे में बात करने के लिए, फिर देयर फेसिंग एनी इशू. लेकिन वही फैमिली एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत स्ट्रांग वजह बन सकती है जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें. अगर एक औरत राउंड द क्लॉक आपके घर के सारे काम करिए, चोर्स करिए, तो वो ये जरूर डिजर्व करती है कि आप उसे महीने में 15 मिनट पे इनकरेज करें कि वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करे. थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना ब्रेस्ट सर्जरी से रिलेटेड भी एक सवाल करना चाहूंगी कि जो आपके पास औरतें आती हैं अपनी सर्जरी कराने के, किस तरह का एक्सपीरियंस होता है वो? जिनका जाहिर बात है इसमें इशू खाली वो नहीं होता, उनको फाइनेंसिस का इशू होता है. वो होता है कि हमें पता तो चाहिए, अपने मियाँ को हम बताएंगे, हमारे पास दो वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं होते, सर्जरी पे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा. लेकिन आपकी सर्जरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो रही होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. उसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो फंड करती हैं. हमारे मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल भी अब है, वहाँ पे भी ज़ुकाम का इलाज होता है. और ज़ाहिर बात है थोड़ी सी रिलक्टेंस ज़रूर होती है, उनको ये इशू होता है कि अगर मैंने मैस्टेक्टमी करा ली, जैसे मैंने अपनी एक पेशेंट थी जिसकी मैंने एफएनएसी की और उसको मैंने कहा कि तुम अपनी ना मैस्टेक्टमी तुम्हें करानी पड़ेगी. तो मैस्टेक्टमी मीन्स कि जो हमारी ब्रेस्ट है हम उसको रिमूव कर देंगे. जब उसको हमने ये कहा तो उस पर दोनों को चुप कर गई. मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी. उसने कहा कि तुम हस्बैंड से क्या पूछोगी? उसने कहा कि मैं हस्बैंड से ये पूछूंगी कि मैं मैस्टेक्टमी करा लूं. तो उस पर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अब तो ये तुम्हारी जान का खतरा है, मैस्टेक्टमी तो इलाज है उसका. तो जब थोड़ा सा दो सवाल और पूछे तो उसको था कि अगर मैंने मैस्टेक्टमी करा ली तो शायद मेरे हस्बैंड को मैं उतनी अट्रैक्टिव ना लगूं और शायद मेरा हस्बैंड मुझे डाइवोर्स कर दे. अच्छा, रियली? तो दिस एन एक्सटेंट शी वाज. ओके, तो हमारे मुआशरे में ये प्रॉब्लम आती है. फीमेल सर्जरी से घबराती है कि उसके बाद हमारे हस्बैंड्स के लिए भी वो भी लेस अट्रैक्टिव और शायद हमारे हस्बैंड्स ना हमें एक्सेप्ट करें. ये भी एक इशू है इन आवर सोसाइटी. बिल्कुल. तो इधर वही चीज दोबारा से इंडोर्स हो रही है कि बेसिकली हमारी इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में मर्दों का एक बहुत अहम किरदार है. अगर वो चाहते हैं कि उनकी औरतों की सेहत रहे तो फिर ये इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि वो उनमें ये कॉन्शियसनेस और इनकरेजमेंट जगाएं कि वो हेजिटेंट ना फील करें अपने घर में ये बताने से कि दे आर सफरिंग थ्रू एनी डिजीज. अच्छा डॉक्टर जुनैरा, हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की रिगार्डिंग दोबारा वापस आते हैं. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जनरल ट्रेंड्स होते हैं, हम जानते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं. जिस तरह हमारी सोसाइटी में अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि फास्ट फूड जंक फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है हेल्दी ईटिंग हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को देखने का. सो एवरीबडी प्रेफर्स कि अगर फूड फास्ट फूड मिले तो क्या जंक फूड जैसे जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं इनका क्या इफेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर? इनका डेफिनेटली होता है. वो कहते हैं कि अगर आप प्रोसेस्ड रेड मीट लेते हो तो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. एंड यू शुड टेक हेल्दी फूड विच इंक्लूड्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ऑब्वियसली हम लोग अपनी हेल्थ पे टाइम नहीं लेते हैं. वी आर ऑल बिजी इन अ वेरी उस तरह की लाइफ के जिसमें हम अपनी और अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं निकालते हैं. और सेहत की कदर सिर्फ तब आती है जब हम उसको लूज कर देते हैं. टिल द टाइम वी आर हेल्दी हमें लगता है कि एवरीथिंग इज वेल. और रिस्क फैक्टर्स जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. एक वो जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं और एक वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम नहीं अवॉइड कर सकते. जो रिस्क फैक्टर्स हम अवॉइड कर सकते हैं उनमें शामिल होते हैं जैसे आप जिस तरह आपकी ओबेसिटी है. अच्छा, अब ओबेसिटी जो है वो एक रिस्क फैक्टर है कि उसमें इंक्रीज रिस्क होगा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा. अच्छा, तो मैं इस बारे में एक्चुअली मैं ज़्यादा डिटेल में अपने लिए भी जानना चाहूँगी. मेरे साथ बहुत सारी दोस्त हैं जो ओबेसिटी का शिकार है. तो ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हम लोगों में क्यों ज़्यादा होता है? अच्छा, इसका ये मतलब पता नहीं है, मेरे लिए डराना मकसद नहीं है कि खुदाना खास्ता हर मोटी खातून को ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा. बल्कि इसमें ये है कि उनमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिस्क ज़्यादा होने का वजह ये होती है
कि जब आप मोटे हो गए तो फैट आप में ज्यादा होगी, फैट ज्यादा होगी तो ईस्ट्रोजन ज्यादा होगी, और अगर ईस्ट्रोजन जो होगी उसका इफेक्ट ब्रेस्ट पे और होता है। अच्छा। तो ये वो रिस्क फैक्टर है जो कि आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, ओबेसिटी उनमें से एक था। इसी तरह जो और आप रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हो उसमें आपका आ जाएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपका रिस्क डिक्रीज करती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और वो कैसे है कि आप एटलीस्ट 5 days a week एक्सरसाइज करो, और कितनी हो उसका ये मतलब नहीं है घर में जो आप किचन में जाके खाना बना रहे हो या जो आप चल रहे हो वो एक्सरसाइज नहीं है, इट्स स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज। एटलीस्ट 30 to 40 minutes आप एक्सरसाइज, मतलब कार्डियो जैसा वॉक जॉगिंग वगैरह। उसका ये होता है कि एटलीस्ट उसमें या तो आपको पसीना आए, लेकिन कुछ लोगों को तो खाना खाते हुए पसीना आ जाता है। अच्छा। या फिर आपका हार्ट रेट एटलीस्ट 10 से बढ़े। सो एक्सरसाइज है जो कि आपका रिस्क रिड्यूस करेगी। तो अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज अदर रिस्क फैक्टर्स जो कि हमारे मुआशरे में कॉमन हो रहे हैं अमंगस्ट फीमेल्स ऑल्सो, दोज आर एल्कोहल एंड स्मोकिंग। दो रिस्क फैक्टर्स फीमेल्स में भी अब कॉमन हो गए, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। यानी अल्कोहल की कंजम्पशन, स्मोकिंग की कंजम्पशन डायरेक्टली इंक्रीज कर रही है रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैं और आप फीमेल्स हैं, हमें ज्यादा रिस्क है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। वी कैन डू नथिंग टू मेल्स, वी कैन नॉट चेंज आवर सेक्स। रेस जैसा कुछ यूज की स्पेशल थे जिनमें ये आपके ये ज्यादा था। अच्छा। सिमिलरली फॉर एशियंस हमारों में भी इधर है, हम अपनी रेस नहीं चेंज कर सकते हैं। एशियन पे तो मैं एक चीज ऐड भी करना चाहूंगी कि पाकिस्तान करंटली लीड कर रहा है एशिया में ब्रेस्ट कैंसर डेथ सबसे ज्यादा इस वक्त एशिया में पाकिस्तान में हो रही है। सो दैट इज एक्चुअली वेरी रिलेटेबल, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड रेस के अलावा एज, वो कहते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। बिकॉज आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो वेयर एंड टेयर कर रही होती है बिटवीन द साइकिल्स ऑल्सो, बिटवीन प्रेगनेंसी लैक्टेशन। लेकिन पहले हम सुनते थे कि ये दादियों की बीमारी होती है, फलां की दादी को हो गया। अब तो वैसे ये छोटी उम्र में भी होने लग गया है। हमारे अपने पास एक लैब में आई थी, मैं उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करूंगी, शी वाज ओनली 17 इयर्स ओल्ड। रियली उसको ब्रेस्ट कैंसर था, नाउ शी इज अ सर्वाइवर माशाल्लाह, लेकिन उसके वालिद तक को नहीं पता था कि उसकी छाती का कैंसर है। और ये एग्जांपल वाकई में इस पूरे इशू को कितने अच्छे से हाईलाइट कर रही है कि यंग गर्ल हु इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, उसके घर में अफराद को नहीं पता इस बारे में, और इसके अंदर जो ये शर्मिंदगी का एहसास है, जो टैबू है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसमें फियर है, इसमें एम्बैरेसमेंट है, इसमें जाहिरी बात है जो आप कह रहे हो सोशल मार है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जिन आपकी खवातीन में फैमिली हिस्ट्री होती है उसमें भी एक मसला आएगा, क्योंकि जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है दादी को था, वालदा को है, बहन को है, और उस फैमिली हिस्ट्री वाली में इधर BRCA1 BRCA2 जीन्स होती हैं। अच्छा। और अगर उसने वो म्यूटेटेड इनहेरिट कर ली है तो उसमें 5 times ज्यादा रिस्क है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और अगर उसकी अम्मी को एट द एज ऑफ हुआ 45 शी शुड स्टार्ट हर स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 25 10 years अर्लियर। दिस इज ऑल्सो एन अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर कि आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री आपने वो जीन्स म्यूटेटेड ली। तो ये आपने भी BRCA1 और BRCA2 जीन की भी बात की, सो दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से ये इनहेरिट हो सकती है। तो क्या जरूरी है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर मौजूद है तो ही आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा, या फिर हमारे पास किस तरह डिफरेंस है इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? लकीली 3% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आर फैमिलियर, जो फैमिलीज में रन करते हैं, और जो बाकी 97% है दे आर स्पोरेडिक, यानी जीन्स तो म्यूटेट होंगी, ये आपकी जीन्स की म्यूटेशन से ही कैंसर होने हैं, ठीक है, लेकिन वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स होंगी। 3% है जो फैमिली है, जो फैमिली में रन कर रहा है। आई थिंक ये इधर मैं समराइज भी करना चाहूंगी कि इवन दो 3% के अंदर फेमिलियर रीजन की वजह से है कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी किसी को ब्रेस्ट कैंसर था तो आपने इनहेरिट किया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे अवॉइडेबल आपने रिस्क फैक्टर्स भी बताए जिसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कितनी है, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, सो दोज आर द इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट्स जो हम सबको अपने लिए लगाने चाहिए कि क्या मैंने हर हफ्ते में हर रोज क्या 30 मिनट्स की एक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज की है, और मेरे में जंक फूड की कंजम्पशन कितनी ज़्यादा है, क्या मैं हेल्दी ईटिंग को प्रेफर कर रही हूँ जंक फूड को, तो इन सब चीज़ों को करने से हम लोग अपने ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को काफ़ी
डिक्रीज कर सकते हैं। अक्सर डॉक्टर जुनैरा, बहुत सारे मिथ्स भी हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, मतलब लोग समझते हैं कि अगर कोई ब्रेस्ट पे जिस तरह लेट्स सपोज गिल्टी बन गई है तो वो गिल्टी की वजह से अब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गए होगा, थोड़ा सा इस बारे में भी आप नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने अभी पहले भी ये बात की थी कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, हमारा मकसद डराना नहीं है, हमारा मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है। अगर वो गिल्टी भी नहीं है, आपको दर्द नहीं कर रही, उसका साइज इंक्रीज नहीं कर रहा, तो ठीक है, आप उसका टेस्ट करा लिया, FNAC आपने करा ली, फाइब्रोएडिनोमा निकल आया, इट्स फाइन। लेकिन अगर टेस्ट में वो मेलिग्नेंट निकलती है, दैट मींस कि नाउ यू शुड गो टू अ डॉक्टर और आप उसकी ट्रीटमेंट जिसमें भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो आपको अवेल करो। यानी कि मेलिग्नेंट का मतलब कि वो ब्रेस्ट में भी स्प्रेड करेगी और वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स में भी, जड़ों वाला कैंसर है वो B9 वाला नहीं है, क्योंकि बगैर जड़ों के भी सॉल्व हो सकती है, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि आप टेस्ट करा। और इसके अंदर लोग ये समझते हैं कि अगर वो औरत नहीं, जैसा मर्द हजरात, उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने रिसेंटली वी केम अक्रॉस द स्टैट कि 1% ऑफ द डेथ्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान आर द डेथ्स इन मेल्स ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर, राइट? सो इसका मतलब ये है कि मेल के अंदर भी इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर की। एब्सोल्युटली राइट। अभी आपने कहा था कि 40,000 डेथ्स होती हैं उनके फीमेल्स की पर ईयर इवन इन पाकिस्तान, एंड अबाउट 450 मेल्स आल्सो डाई ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान। एंड रिसेंटली पिछले महीने 2 हमने डायग्नोज किया तिलाब पे, बोथ वर मेल्स। सो मेल्स में भी ऑल्दो उनकी रेशियो हमारे मुकाबले में कम है, लेकिन मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि फीमेल्स के अंदर जहाँ पे 8 औरतों में से किसी एक को हो सकता है, मर्दों में वो 1,000 में से किसी एक के लिए, रेशो में फर्क जरूर है लेकिन इंसिडेंस दोनों में होगा। यानी कि जो सेल्फ एग्जामिनेशन है, जो टेस्टिंग है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। इसी से रिगार्डिंग मैं एक और मिथ पूछना चाहूंगी, लोगों के दिमाग में ख्याल होता है कि जब वो अपने मेमोग्राम्स कराना चाहते हैं तो एक तो मेमोग्राम के बारे में बता दें कि वो क्या होता है, और दूसरा ये कि वो समझते हैं कि मेमोग्राम्स कराने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी इंक्रीज करते हैं। ओके, ये इस तरह नहीं है वैसे, बिकॉज इसलिए कि मेमोग्राम कुछ भी नहीं है, वो सिंपल आपकी रेज होती है, जस्ट लाइक एक्सरेज, नॉन इनवेसिव प्रोसीजर है, उसमें हम कोई चीरा किसी किस्म के ऐसा नहीं करते हैं। मशीन होती है, उसके सामने आपको खड़ा किया जाता है, रेज पास करती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो मेमोग्राम्स हैं दे आर नॉट रिकमेंडेड बिफोर द एज ऑफ 40। 40 साल से पहली उम्र में हम मेमोग्राम्स नहीं करते हैं, वो आफ्टर द एज ऑफ 40। और 40 साल से पहले अगर कोई पेशेंट है तो वो सिर्फ सेल्फ एग्जामिनेशन पे रिलाई करेगा, और उस पेशेंट में जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री हो उसमें अर्लियर मेमोग्राम कैन बी डन। लेकिन उसका एक और ड्रॉबैक भी है कि जो यंगर एज में डेंस ब्रेस्ट होती है तो उसमें से रेज नहीं पास करेगी, तो लीजन शायद ना पिक करे, और अगर एक्सपोजर दे रहे हो टू रेडिएशन। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 40 लेस डेंस ब्रेस्ट होती है, उसमें से वो लीजन जो आप हाथ से भी पेक करके पिक नहीं करते हो, मेमोग्राम अर्ली पिक कर लेती है, सो उसका एडवांटेज होता है। यानी कि 40 ईयर्स से जो यंगर है वो सेल्फ एग्जामिनेशन पे रिलाय करें। सेल्फ एग्जामिनेशन का एक दफा मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपने जिस तरह अभी हमें बताया कि आपने लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से फिंगर्स को फ्लैटन करके पैल्पेट करना है, इसी तरह अपने बगलों के नीचे भी महसूस करके देखते हैं कि क्या कोई गिल्टी में मौजूद तो नहीं है। अगर वो गिल्टी मौजूद है तो फॉरन से अपना डॉक्टर पे रिव्यू करें, बिकॉज़ डोंट कीप इट योरसेल्फ। हमारे घर में फीमेल्स गिल्टी का पता चल भी जाता है, बिकॉज हम अक्सर कहते हैं कि नहाते हुए चेक कर लो, दैट्स ओनली टाइम जब आपको टाइम मिलेगा, और 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पैल्पेट करने में। लेकिन होता ये है कि ये फीमेल्स अगर पैल्पेट कर भी लेती हैं तो वो खौफ से या शर्म से अपनी बहनों, अपनी माँ, अपने भाई या अपने वालिद, किसी से डिस्कस नहीं करती है। समा की अदर थिंग, अभी हम उन्हीं इनहिबिशंस में चल रहे हैं जिसकी वजह से हम लेट प्रेजेंट करते हैं। हम लेट प्रेजेंट करते हैं तो कैंसर ट्रीटेबल नहीं होता एट दैट स्टेज, देन अगर फैल गया तो वी डोंट हैव ट्रीटमेंट फॉर दैट, इट इज क्योरेबल ओनली इन इनिशियल स्टेजेस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपने सेल्फ एग्जामिनेशन किया है, आपको कोई गिल्टी महसूस हुई है, तो आप चुपता इलाज से जाके अपना FNAC का टेस्ट भी करवा सकते हैं, जो आपको ये बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है आप में या नहीं।
साथ ही साथ आप मरहम एप्लीकेशन जो है मोबाइल में डाउनलोड करें और वहां से आप किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके उनको भी विजिट कर सकते हैं। वो आपका डिटेल एग्जामिनेशन भी कर लेंगे जिससे वो आपको बता देंगे कि वेदर ब्रेस्ट कैंसर आपको होगा नहीं होगा और जो भी उसकी एहतियाती तदाबीर है। अच्छा, मिथ्स पे वापस आती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, ये कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट औरतें उनमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कैंसर होते हैं यूजली दे आर मोर अग्रेसिव। इसीलिए हमने कहा था कि पोस्ट मेनोपॉज़ल के अलावा प्रेग्नेंट खवातीन भी हर महीने एक डेट फिक्स कर लें और उस डेट के ऊपर वो भी अपनी छाती का मुआयना जरूर करें, क्योंकि जितने भी कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं यूजली दे आर मोर अग्रेसिव। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है उनको। अगर खुदाना खास्ता गिल्टी बनती है तो उसका जरूर मुआयना करें। लेकिन थोड़ी बहुत रिसर्च साथ ये भी, जिस तरह आपने ऐड किया था कि जो प्रेगनेंसी है, ये लैक्टेशन है, जो ब्रेस्ट फीडिंग हैबिट्स है, इनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट जरूर होता है। प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन जो गिल्टी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बन जाती है वो इस बात की गारंटी नहीं है कि उसमें क्या है। हो सकता है वो लैक्टेटिंग एडेनोमा एक बीनाइन वाली हो, जड़ों वाली रिसॉली ना हो, लेकिन बगैर टेस्ट के आप किसी को भी उन्हें प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इट्स मैंडेटरी कि वो उसका टेस्ट कराएं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराएं। सही। और एक और बात कहते हैं कि जैसा आपकी अंडरवाय ब्रास होती है या इनकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, तो क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आया जरूर था ये कॉन्सेप्ट कि जो अंडरवायर ब्रास होती हैं वो आपकी ब्रेस्ट को कहीं ना कहीं टाइटर रखती हैं, लिम्फैटिक्स ब्लॉक करती हैं, टॉक्सिन्स पैदा करती हैं, जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन अभी तक जितनी रिसर्च हुई है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर आपकी जीन्स की वजह से हो रहा है, जेनेटिक्स में म्यूटेशन हो रही है उनकी वजह से हो रहा है। It is unrelated. It's a myth. So basically, जो ब्रेस्ट कैंसर है ज्यादा से ज्यादा हमारी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से है जो हम इंक्रीज करें, और हम लोग अपनी उन लाइफस्टाइल हैबिट्स को इम्प्रूव करके एक्चुअली में ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज शेयर इट इन द कॉमेंट्स ऑफ दिस लाइव सेशन, या फिर हमें marham.pk/forum पे आप पोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहती हूँ, ये ऐड करना चाहती हूँ कि प्रिवेंटिव साइड के ऊपर हमने दो चीज़ें देखी कि फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करो, अपने जंक फूड को मिनिमलाइज करो। कोई और इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स को रिकमेंडेशन आप घर बैठे औरतों को देना चाहती हैं कि जिसके थ्रू वो अपनी हाइजीन का ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें? एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? ओके, एक तो ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि डोंट फील शाय, थिंक पिंक, सोचो अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में। ब्रेस्ट में गिल्टी होना, शर्म महसूस करने की बात नहीं है। अगर फ्लू एक एलिमेंट हो सकती है, अगर बुखार एक एलिमेंट हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, तो छाती में गिल्टी भी एक एलिमेंट है। उसके लिए ये किसी से डिस्कस ना करना, ना बताना, डॉक्टर पे ना जाना, ये चीजें हैं जिसकी वजह से एंड में आप खुद एक सर्वाइवर की बजाय लूजर बन जाते हो, लूज योर लाइफ। सो हमारे मुल्क में जहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं होते, जैसे वेस्ट में होते हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम, सर्वाइकल कैंसर ने शुरू किया और वो बिल्कुल नीचे आ गए सेम मुल्क में। हमारा इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स एंड मेमोग्राफी स्क्रीनिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। सो हमारे मुल्क में सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे ऊपर आ जाए। ठीक है, सो इस बारे में डोंट फील शाय, आप लोगों को चाहिए कि आप अपना आप एग्जामिन करो, और अगर आपको है तो आप अपने घर में जरूर, अगर आप मेल से अभी नहीं अगर आती है तो एटलीस्ट अपनी बहन अपनी अम्मी से डिस्कस करें और जरूर डॉक्टर पे जाएं। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों को एहसास है कि कोई गिल्टी बन रहे हैं या ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, आपको लगता है आप घर पे इस बारे में बात नहीं कर सकते, तो आप मरहम का प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए ओपनली यूज कर सकते हैं, जहाँ पे पीपल कैन अनोनिमसली पोस्ट देयर क्वेश्चंस ऑन द फोरम। और हम लोगों का जो प्रोसीजर है वो यही है कि जब फोरम पे हमें कोई भी सवाल आता है तो उसको डिफरेंट डॉक्टर्स डायरेक्टली आंसर करते हैं और वो डायरेक्टली जवाब देते हैं कि उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या है। आप हमें कॉन्टैक्ट करें, वी विल बिकम योर सपोर्ट सिस्टम। हम आपको पूरा आपकी डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक पूरा जिस तरह की भी रिलीफ चाहिए हो आपको, जिस तरह की भी असिस्टेंस चाहिए होगी, वी विल हेल्प यू आउट इन दैट। एक सवाल जो मेरे रिसेंटली आया है अपने फोरम पे वो ये आया है कि एनोनिमसली एक औरत इस चीज के बारे में कंसर्न है कि क्या अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो चुका है, क्या इसके बाद उनकी
चाइल्ड बेयरिंग टेंडेंसीज को इफेक्ट पड़ेगा क्या, वो इसके बाद बच्चे उनके हो सकते हैं नहीं हो सकते, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज के ऊपर? डेफिनेटली उसमें ये है कि आप, अब डिपेंड करते हैं उनको क्या ट्रीटमेंट मिली है, उनकी सर्जरी हो गई है, उनकी कीमो हो गई है, पेशेंट फॉलो अप पे डाल जाता है, जब फॉलो अप पे डाल जाता है तो उसके बाद जारी बात है उसका अपना जब फ्री पीरियड आ जाता है उसके बाद ऑब्वियसली शी कैन कंसीव अगेन, वो जैसे मर्जी अपनी फैमिली कंप्लीट करे, लेकिन उसने एक दफा जाके फॉलो अप के ड्यूरेशन में अपने डॉक्टर से सारा कुछ डिस्कस करना है, ठीक है? और उसमें कोई हैज़र्ड नहीं है, देयर आर मेनी पीपल जिनकी मिस्टेक्टमीज हो गई हैं बट दे कैन बिकम मदर्स अगेन, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, लेकिन ये है कि आपने अपनी ट्रीटमेंट, क्योंकि ड्यूरिंग कीमो इट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है, तो जब उनकी हो जाती है फिर उसके बाद आई थिंक ये सारी बात जो है ये विल पावर पे डिपेंड करते हैं, हम लोग जिस तरह एक हम लोग हर चीज में आइडियलाइज करते हैं वेस्टर्न वुमेन को, हम उनकी तरफ देखते हैं, तो देर आर अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज, जो अगर हम इस चीज के ऊपर पढ़ना शुरू करें तो हमारे पास इतनी ज्यादा एग्जांपल्स वेस्टर्न वुमेन की नहीं, सिर्फ हमारे पास लोकल सोसाइटी से इतनी एग्जांपल्स आती हैं कि जिन लोगों ने विल पावर की बेसिस पे अपने कैंसर को फाइट किया है, दे वर नॉट रिलक्टेंट इन शेयरिंग देयर इशू, अगर रिलक्टेंस थी उनकी फैमिली ने एक्चुअली में एक सपोर्ट सिस्टम बना, तो यहाँ पे एक जितने लोगों ने जितने नाज़रीन ने हमें ज्वाइन किया हुआ, मैं एक चीज आपसे डायरेक्टली आपको एक मैसेज देना चाहूंगी, वो ये कि अगर चाहे आप औरत हैं अपने घर में एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे, या आप बेटी हैं, आपका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आपके भाई या आपके फादर का है, जो हमारी मेन टारगेटेड सारी सोसाइटी है, आप लोगों का बहुत अहम किरदार बनता है। बहुत सारे जमाने से हम ये सुनते हुए आए हैं कि हम इन चीजों की बात उनसे नहीं कर सकते, लेकिन बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे लिए डिसीजंस देते हैं ना, वो हमें हॉस्पिटल्स लेके जा रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो अगर हम अब आज ये फैसला कर लेंगे कि हम उनसे इस बारे में बहुत नहीं कर सकते, तो वी आर पुटिंग द एंड टू आवर लाइफ आवरसेल्व्स, तो हमें इस ट्रेंड को चेंज करना है, और हम इस ट्रेंड को हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैरा, आपने बहुत डिटेल में लाइट शेड की उन इश्यूज पे कि जो हम लोगों को फेस होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर क्या है, किस तरह से डिटेक्शन हो सकती है। इंडोर्समेंट चाहूंगी, सेल्फ एग्जामिनेशन 15 टेक्स ओनली 15 मिनट्स, लेकिन ये आपकी जिंदगी बचा सकता है, क्योंकि कैंसर डायग्नोसिस के बाद एक इसके स्प्रेड को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक सेकंड जो है, एक मिनट है, वो आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपके ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई सवाल हो, आप हमारे साथ शेयर करें, टॉक टू अस अबाउट इट, हम चुपताई लैब और मरहम सिर्फ यही कोशिश कर सकते हैं कि हम लोगों की मेंटालिटी को बदलें अपने इन अवेयरनेस सेशंस के थ्रू, उनके जो सवाल हैं उन सवाल को आंसर करें। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैरा, फ्यूचर में भी इस तरह के अवेयरनेस सेशंस करते रहेंगे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।